बहुत धन्यवाद। तारीख है 3 मार्च 2023, समय हो गया है 10:19 PM। अब लगेगा बजर सबके, हम बता रहे हैं ना, अब बताते हैं हम आपको बजर क्या कहते हैं किसे हैं। हो गए कुक्कल बैंड। गुजरात में जो रंग वॉर जोन है बेटा, जिस जगह पे आर्मी उतरी है ना, F-35 खड़ा किया गया है, उसके नीचे पता है क्या है? नहीं मालूम। 200 करोड़ टन गोल्ड है भाई साहब, 200 करोड़ टन गोल्ड है भाई साहब, और गोल्ड ज्वेलरी है। और जानते हो क्या है ये? इसमें अंदाजन 3000 वर्षों के लगभग गोल्ड के, और ईंटें पता है कौन सी है गोल्ड की? जो पुराने जमाने की ईंटें होती थी, मिनिमम 15 kg। और ज्वेलरी जो भारत में मुसलमानों ने बहुत पहले लूटी थी। गुजरात एक ऐसी जगह है जहां से भारत से बाहर मुसलमान मंदिरों से लूटा हुआ धन, ज्वेलरी, सोने चांदी की मूर्तियां, बर्तन लेके जाते थे, समझे? बहुत समय पहले से भारत में इसी खजाने को ढूंढा जा रहा था, पर शायद कुछ लोगों को मालूम तो था कि यहाँ कुछ है, और वहाँ एक वॉर जोन बनाया गया। काफ़ी समय तक नवाज शरीफ जी भी रहे और वहाँ पे, और जूनागढ़ का नवाब जो बाहर, ये नवाब वाब तो सब बाहर के आए हुए हैं। सोमनाथ मंदिर को 1400 ईस्वी में जब लूटा गया, 1400 ईस्वी में जब लूटा गया, सोमनाथ मंदिर का गोल्ड भी वहीं पे है, जिसको ढूंढने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी मरा जा रहा था। अयोध्या से लूटा हुआ गोल्ड वो भी वहीं पे है, भयंकर भयंकर गोल्ड है, अफीम, चरस, गांजा वहीं पे रंग में। तो मेरे साथ भी जो है, ऐसे मेरी वाइफ ने पूछा कि आप मतलब ये सब जो ढूंढोगे वहाँ जो होगा, तो ये होगा किसका? ये होगा मेरा, जो कमांडोज है हमारी यूनिट जो है वो सैलरी लेती है, इसीलिए जो है वॉर जोन के अंदर सैलरी हम बहुत अच्छी देते हैं, बाकी फैसिलिटी में हम कोई कमी रखते नहीं अपने लड़कों की। और मेरे खिलाफ कोई मेरी टीम के बंदे भी नहीं सुनते वहाँ पे। आज एक कमांडो को जो है उसका बैग पकड़ा दिया गया, वर्दी हथियार ले लिए गए, क्योंकि उसने सुनी नहीं हमारी। अब आप समझे नहीं समझे? एग्जैक्टली। अब इंडियन आर्मी में बैठे हुए और ईरान से आए हुए जितने भी लोग आए ना भारत के अंदर, ये ईरान से जैसे संजय अरोड़ा है, पाकिस्तान से आए हुए क्या कहते हैं और लोग हैं जो इंडियन आर्मी में और यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, ये सब भारत के मंदिरों का खजाना लूटने का खेल है और कुछ नहीं है। गजवाए हिंद की आड़ में भारत में हिंदुओं को मारने का खेल है और कुछ नहीं है। जोइश आएंगे तो हिंदुओं को मारेंगे, पारसी जो है, मुसलमान आएंगे तो मारेंगे, ईसाई आएंगे तो मारेंगे। अंग्रेजों ने कम लूटा भारत को, महारानी एलिजाबेथ भारत से क्या नहीं लेके गई। एर्दोगान यहां से जो है क्या कहते हैं तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, अथा सोने चांदी से दमकता हुआ, बहुमूल्य हीरे जवाहरात से दमकता हुआ मयूर सिंहासन ले जाने वाला। कोहिनूर ले जाने वाला सब तुर्क शासन था। पाकिस्तान दूर से आते थे, उधर से इकट्ठे होते होते आ रहे और भारत में घुस गए, समझ में आई? आप जानते हो मेरी आर्मी की एक खासियत क्या है? मैं भारत में जो भारतीय है, भारत की जनता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप शायद हैरान हो जाओगे। JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड और हितेश रे वन आर्मी की एक खासियत है, इसमें चाहे आप किसी भी देश के हो, सबसे पहले आपको श्री राम भक्ति अपनानी होती है, वरना आप मेरी टीम में आ नहीं सकते। दूसरा, नागरिकता भारत की है। अगर मान लो रूस से कोई व्यक्ति हितेश रे वन की ब्लैक आर्मी में आता है,
तो भाई उसको अपने देश की नागरिकता छोड़नी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसे सनातन धर्म अपनाना होता है, प्रभु श्री राम की भक्ति लेनी होती है, और कुछ नहीं सुनते हम, अलाउड ही नहीं है। और अगर किसी ने तीसरा नियम इसमें हितेश रे वन का विरोध नहीं कर सकते, मतलब मेरा विरोध नहीं कर सकते आप, सवाल पूछ ही नहीं सकते, मेरी फोटो देखते के साथ ही जो है ना घुटने पे बैठना पड़ता है। पहले शुरू में जो है स्टार्टिंग में जब इन्वेस्टिगेशन आई अलग, और जब अब रेड शुरू हुई, ठीक है, जगह जगह जो हमने हथियारों पर रेड करी, पूरे विश्व में जो है हथियार इकट्ठे किए गए, इनका टारगेट था इस बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके पद्मनाभन मंदिर के सातों वर्ल्ड को खोलना, हमने खोलने नहीं दिया। मैं वही आदमी हूँ जिसने इस बात का विरोध किया, मार पड़ गई इसको, तभी दक्षिण भारत के मंदिरों में बार बार जाता था, नहीं ढूंढ पाया, जाने ही नहीं दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लेके आए, तब भी जो है ये न्यूज़ तो आ रही थी कि गिनती कर रहे हैं ना, ना हमने खोलने ही नहीं दिया वॉल्ट, सात वॉल्ट हैं उसमें, खोलने ही नहीं दिए, चल कुछ कर ले तू। अब इसके बाद इसमें एक ऐसा कहानी थी जो शायद भारत में आप नहीं जानते हैं, पता है इनका टारगेट क्या था, दक्षिण भारत से लड़कियां उठाना, चॉकलेट ही हॉट, ना 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 कश्मीर की लड़कियां थोड़ी सी टारगेट, वो तो उधर जो उठा रहे उठा रहे हैं, दक्षिण भारत की लड़कियां, जी हाँ देवदासियां, एग्जैक्टली उनकी किडनैपिंग। भारत से इस तरह का खजाना ले जाने का रास्ता सिर्फ गुजरात था, मोदी ने वहां पे जो है बाल्टा ग्रुप की मदद लेकर के, युगांडियंस की मदद लेकर के जो है क्या कहते हैं वहां से सीएम पद पे आया और धीरे धीरे क्राइम बढ़ाया, फिर वो सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी बना, वो ट्रस्टी बन तो गया पर मंदिर वालों ने हाथ नहीं रखने दिया, मोदी चिढ़ गया, सोमनाथ मंदिर का बगल में ही जो है अपना क्या कहते हैं सीएम ऑफिस बनाया, वहां से जो है क्या कहते हैं इंडियन आर्मी की कुछ मदद ली, सीआरपी बटालियन में जो बंदा था जो कि मैंने बताया ना आपको ये क्या नाम है सलमान खान के साथ चिंकारा मामले में जो आर्मी के बंदे थे, उन्होंने तो शिकार करवाया था उससे, तभी तो क्या कहते हैं चौड़े हो रहा था, बिल्कुल कराया, आज वो वीडियो इंटरपोल के पास पहुंच गई कि ये वीडियो है, इस वीडियो को देख लो आप, पूछ लो इससे सलमान खान की टीम से, हाँ भाई यही वीडियो है वो, जिस वीडियो में इस वीडियो को वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बनाने के बहाने सलमान खान और इंडियन आर्मी के कुछ लोग जो है वहाँ पहुँचे चिंकारा के शिकार के लिए, अब वहाँ पहुँचने के बाद जो है इन लोगों ने वहाँ चिंकारा का शिकार किया और बाद में उसके बाद इंडियन आर्मी वाले से बचा रहे थे, मुसलमान है इंडियन आर्मी के अंदर शुरू से ये लोग आते रहे, जैसे शैम मानेकशॉ है तुर्क था कन्वर्टेड ज्यूइश, शैम मानेकशॉ ने एक बार जब इंडियन आर्मी के मामले में भारत सरकार में जब न्यूज में आती रही पाकिस्तान से वॉर की बात हुई, तो जब शैम मानेकशॉ से पूछा गया कि भाई पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का जो है सीज़फ़ायर वॉलेशन है, शैम मानेकशॉ का पता जवाब क्या था, क्या था, हम इंडियन आर्मी से हैं, हमारी अपनी आर्मी है, तुम्हारे इस नेशनल फ्लैग से हमें कोई मतलब नहीं है, वहाँ क्या है हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो आराम से आते जाते हैं, तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपना यार हो, ये शैम मानेकशॉ का जवाब था, सोच लिया। अब भारत में डीआरडीओ और इसरो के अंदर ईसाई भर गए, देखने में दक्षिण भारतीयों जैसे लगते हैं, और ये आए कहाँ से हैं, श्रीलंकन से आए कहाँ से, एक घुस गया जैसे मुकेश पाकिस्तान बारादारी से भारत में, डंकी तो सोचेगा नहीं, समझ में आई, अब दक्षिण भारत में जो है क्या कहते हैं देखने में श्रीलंकन और क्या कहते हैं लिट्टे कन्वर्टेड ईसाई है, इनका बहुत पहले ही सनातन धर्म से इनको लात मार के बाहर निकाल दिया गया, पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात हुए, जेएसआर सिक्योरिटीज जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बनाई गई हर देश में, ये मैंने किया वो नियम साफ बता दिया गया, चाहे कोई हो तुम, चाहे इसराइल में हो, अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, जेएसआर सिक्योरिटीज में अगर तुम आ रहे हो तो पहला नियम यह है कि सनातन धर्म में प्रभु श्री राम की भक्ति है, मूर्ति पूजा, गाय नहीं खाते भाई,
रेप नहीं कर सकते, लड़कियां नहीं छेड़ सकते। नागरिकता भारत की है, मेरी आर्मी की खासियत ही है भाई साहब। आपको देखने में बंदा लगेगा यार ये तो अमेरिकन है, आपको लगेगा देखने में बंदा तो यार ये अफगानिस्तान का है, चाइनीज है, और पता है है कौन JSR सिक्योरिटीज है। वो सब पूछेगा कि नेशनलिटी क्या, इंडियन, रिलीजन हिंदू, ना ये नहीं कि स्टोरी है, बस यही है, सीधा नहीं है मैं। अरे मिलिट्री चैनल हितेश रेवान, चाहे JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड हो, चाहे आपका क्या कहते हैं हितेश रेवान ब्लैक आर्मी हो, नियम एक ही है, विश्व में सबसे भयानक तौर पे कितनी संख्या में, क्योंकि नियम यहाँ ऐसा है ना कि हर कमांडो को लगता है, हर पुलिस वाले को लगता है, JSR पुलिस में भी यही नियम है, हर एक एलीट को लगता है कि यार इससे बढ़िया तो कोई नियम ही नहीं है, घर परिवार सुरक्षित है, पैसे की दिक्कत नहीं है, मिलिट्री जनरल हमारे घर परिवार की तरफ देखते ही नहीं है, रुपये सा भैया ये ले पकड़ भाई, हथियारों की कोई कमी नहीं है, दिमाग और ताकत और SPG चला सकता है बंदा। 9 करोड़ के लगभग की आर्मी, बल्कि अब तो ज़्यादा ही हो गई है, 9 करोड़ के लगभग की आर्मी है मेरी, और इतने भयानक हथियार है ना हमारे पास, और अब जो पहले जो मतलब वर्ल्ड का तो पैसा ख़त्म हो गया एक बार को वर्ल्ड बैंक का, जब हमने परचेज मारनी शुरू करी, और जब से क्या कहता हमने जो है रेड शुरू करी, रेड के बाद हथियार, गोला बारूद, आपका क्या कहते हैं गोल्ड, सोना, चांदी, खाना भी स्टॉक किया हुआ है, महंगाई बढ़ जाए, टारगेट एक ही है बस, भारत को जो है क्या कहते हैं इस्लामिक देश बनाना है। गजवाए हिंद क्या था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भैया कहानी चल रही थी कश्मीर में, जो है ऐसे ऐसे लोग हैं, और ये बात जो है इंडियन आर्मी और पुलिस के अंदर जो है लोग घुस गए। अब कश्मीर के अंदर जो JNK पुलिस है वो क्या है, वो यही तो काम कर रही थी पाकिस्तान ने, आराम से कहता रहा यहाँ से, फ़ोन कर दिया पाकिस्तान ने, ठीक है आप जम्मू कश्मीर में आप हिल नहीं सकते। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी का काल का जो है ना क्या कहते हैं उसका जो उसकी जो मौत आई पता कैसे, इसने अमरनाथ यात्रा रोक दी, हिंदू कुछ कहते थोड़ी हैं भाई, अपना समय आया अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं, कांवर लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत है, रोक क्यों दी। वह बहाने से कि बम मिला इंडियन आर्मी में जो है ढिल्लन सरदार और रणवीर ने जो है दिखा दी अपनी औकात, न्यूज देखते ही पारा 7वें आसमान पे हमारा, ऐसे कैसे रोक देगा भाई, ज्यादा बड़ा तू बदमाश लग रहा है। वह 2-4 श्रद्धालु पकड़ लिए, ठीक है आर्मी वालों ने, और वहां पे जो है गलत काम कर दिया, अब कर दिया तो भुगतो, अब भुगतो। हमने जब परचेज मारनी शुरू करी भाई साहब, एक तो हेलीकॉप्टर नहीं छोड़ा और एक तो हवाई जहाज नहीं छोड़ा, सब हमारे हैं, और कहीं मिनट में जो है लड़के रिवॉल्वर निकाल देते हैं, बतावे ऑर्डर होने की देर है बस, और अब तो इनके ऐसी ऐसे ऐसे मारेंगे मेरी टीम के बंदे। IB के अंदर IB वाले जो है कुछ हमारे साथ नहीं देता, IB 17-17 की टेबल मेरी टीम ने बना दी, परसों हमने IB 17-17 की टेबल पे मैंने जो है मरियम नवाज शरीफ जी है, हालांकि मैं उनको अब्यूज़ करता हूँ, बट ये एक बिजनेस डील है, उसमें जो है कुछ ऐसे ही मामला चलता है, कुछ पॉलिटिकल मामला भी देखो है तो पाकिस्तान की, अब एक समय तो टाइम बिता कर तो आना तो उसने यहीं पे घर ही आएगी, अब जब तक है तब तक तो क्या कहते हैं अपने अपने देश की नागरिकता और उसका पूरा मान सम्मान बनाए रखने के लिए भाई सच्चाई पे तो नहीं चलेगी। उससे एक ऐसी बात कह दी गई आज, ठीक है वो जिस बंदे ने कही, मैं कहा तू जा यार तू जिंदगी में वॉर नहीं लड़ेगा, उसके रैंक फाड़ दिए गए पाकिस्तान से, वो उसके रैंक फाड़ दिए वहाँ पे बंदों ने, कह रहा भाई इतनी अच्छी बात कैसे कह रहा तू मरियम नवाज शरीफ को। अब पाकिस्तान के अंदर अब ये वॉर जोन कितने खुल गए, सेपा CEPA मैश MASH रैश RASH और रू और रंग, ये वॉर जोन से है। अब मरियम नवाज शरीफ जी जो है पाकिस्तान के अंदर टैलेंटेड है, सब कुछ है, पोडियम पे सब कुछ है, सत्ता में है,
क्या करेंगे। मरियम नवाज शरीफ जी को ये नहीं पता था कि JSR सिक्योरिटीज का नियम क्या है। हम चाहें तो वॉर इनकी तरह जो है स्टूपिडो की तरह कर ले, पर हमारे को सिविलियन एरिया में मतलब ही नहीं है। वॉर जोन बनाया वहां आ जा भाई। पाकिस्तान के मामले से हमें कोई मतलब नहीं है। भारत पे जो है क्या कहते हैं दिन रात जो है पूरे विश्व में जो है यही बात हो, चाहे चाहे वेटिकन हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स चर्च हो, चाहे काबा हो, चाहे जेरूसलम हो, ठीक है, चाहे आपका भारत के अंदर जो है स्वर्ण मंदिर हो, ये क्या कहते हैं हरिमंदर साहब हो, पर किसी तरीके से हिंदुओं को मारना है तो कुछ हो जाए। गजबा हिंद के मामले में भारत के अंदर ये धीरे 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 जो है ये आर्मी में भरते जा रहे थे, और ज़्यादा नहीं थे, ये वही लोग थे जैसे मीडिया में बैठ गए जा करके वॉर ऑर्डर्स पे बैठ गए, पर इनको ये नहीं पता था बेटा इनके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। एक ऐसी चीज़ है जिसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन। हमने वहाँ पे ICJ में बात कर ली, ICJ में जब बात हुई तो ठीक है भाई, क्या कहते हैं पैसा है मेरे पास इतना है, ठीक है, तो भाई जजेस तो हमारे भी होंगे, जजेस तो हमारे भी होंगे, हम तो नहीं सुनते आपकी, बताओ हम कहाँ गलत हैं। भारत में आपने जो है 1947 के बाद से इंदिरा गांधी ने जो है भारत में धर्मनिरपेक्षता ला दी, वरना तो भारत की संसद में हिंदुओं के अलावा कोई जा नहीं सकता था। संविधान के पहले दो पन्नों पे जो है आपका श्री रामचरितमानस और क्या कहते हैं महाभारत का चित्र था, दशावतार का। इन्होंने क्या करा, वो दोनों चित्र हटा करके भारत को जो है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के भारत पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैं केस जीता हूँ, ये बिल्कुल जीत गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैंने केस डाल दिया, और केस ये डाल दिया कि भाई जब इमरजेंसी लगाना ही गैर कानूनी है तो ऐसे में भारत में के संविधान में किया गया कोई भी बदलाव गैर कानूनी कैसे हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्या कहते धरती लग गई। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का संविधान के मामले में क्यों चलती है, क्योंकि वो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस है ना, इलाहाबाद है, इलाहाबाद होता है वो। अब वो फिर वही, अभी तो कोई मेरे ख्याल 4 महीने हो रहे हैं, बहुत मारा था उन्हें इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज को, मतलब बेंच से उतार उतार के मारा उसको, तेरी ऐसी की तैसी, कोई कुछ भी पके जा रहा तू। अरे हिंदू हैं, हमने बनाया सिस्टम ना, हमने बनाया सिस्टम भाई, तू जज बन जा, तू वकील बन जा, तू पुलिस बन जा, तू आर्मी बन जा, हाँ है ना। अरे हिंदुओं के खिलाफ आदेश नहीं आने देंगे ना, भारत है ये भाई, ये बदमाशी है भाई, तुम्हें भले लगे चाहे बुरी लगे, हिंदुओं की लड़की उठाने की कोशिश करेगा तो हम यार दिख तेरी ऐसे ऐसी नहीं मार देंगे। हमने कौन सा पाकिस्तान का लड़की उठा ला है, नहीं किया ना हमने। मरियम नवाज शरीफ जी है अभी, अब आज हमने हाउस अरेस्ट लिया है, रहो आप आराम से, पर बाहर वॉर जोन कन्वर्ट हो चुका है ना पाकिस्तान में, दिक्कत हो जाएगी। आपका नाम ले करके जो है क्या कहते हैं हमारे को गलत बात बोले वो पसंद नहीं है ना, क्योंकि बहुत 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 गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। अब इंदिरा गांधी ने जब भारत पे इमरजेंसी लगा दी, कानून बदल के भारत में धर्म निरपेक्ष चल गया, इसकी आड़ में जो है संसद में ईसाई जो इस मुसलमान सब घुस गए, वरना भारत के अंदर हिंदुओं के देश में असदुद्दीन ओवैसी की क्या औकात है, हैं अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोला उसने कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो 100 करोड़ हिंदू काट देंगे, वाह भाई वाह, और हम यहाँ पागल बैठे हुए आराम से अपना कैमरा मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जो है जो मर्जी बोले जा रहे हैं। मैंने इनकी तो मैंने कहा इनको इनके ही जूतों से मारूंगा, अभी देखो मजा। मैंने क्या करा, वर्ल्ड का मीडिया खरीद मारा और साफ कह दिया न्यूज़ चैनलों में, बेटा अगर न्यूज़ दी पक्का मारूंगा, समझ में आ गई, और चुपचाप जो है काम करते रहो, वॉर की न्यूज़ मत दे देना, जो मैं कह रहा इनको सुनने दो, समझ में आ गई, आराम से बुलाओ न्यूज़ चैनल में बुलाओ अपना, मस्त रहो। अगर तुम हाँ हाँ मेरी कंपनी में आने का नियम ही है ये, मेरे से कह रहे कि भाई जोश अरे जो भैया आपको पता ही नहीं है JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड का नियम क्या है। अब JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड है, ठीक है, नियम ही यही है, आप अगर समा TV में हो आप मुसलमान नहीं हो, अब बेवकूफ हो आप, समझ में आ गई, आप मुसलमानों के हित की बात कर ही नहीं सकते वहाँ पे। अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मैंने खरीद ली और नाम बोले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, भाई साहब जो चीज़ मैंने खरीद ली उसका नियम ही यही है, आपको यही तो खेल नहीं पता, नागरिकता भारत की, हाँ जी,
और पूजा पाठ प्रभु श्री राम की है, सनातन धर्म मूर्ति पूजा है भैया। और महाग्रंथ जो है श्री गरुड़ महापुराण है, बिल्कुल है, मृत्यु का ग्रंथ, संविधान श्री गरुड़ महापुराण है भैया। आना है, नहीं आना अपने घर जा, चाहे कोई न्यूज चैनल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कुछ हो, भग जाए यहां से। ये खेल मैंने खेला भाई साहब, पैसा है और अकूत धन दौलत का मालिक हूं, समझ में आ गई। वो मेरी टीम का बंदा यही तो कहते हैं, जो मेरे टॉप क्लास सीनियर्स हैं मेरे, नहीं मतलब मेरी टीम में जो है उस, बाकी सबको यही कहते हैं तुम बेवकूफ हो क्या, वो क्यों आएगा ट्रेनिंग पे, वो बेवकूफ लग रहा है, वो इतना पैसा खर्च कर रहा है, वर्ल्ड बैंक पैसा देगा ही नहीं, तुम्हें पता नहीं वर्ल्ड बैंक की अपनी आर्मी है, वो चुपचाप बैठे हुए पैसे लेकर के। अब सारा खजाना जितना ढूंढा है, हथियार, गोला बारूद, यहाँ तक कि लड़कियां भी, आपका ड्रग्स, फिर आपका क्या कहते हैं भैंसे जानवर, जितना ढूंढा है सब वर्ल्ड बैंक में जमा करा दिया मैंने। मैंने कहा मेरा अकाउंट में डाल दो। अब वर्ल्ड बैंक वाले बैठ करके आराम से जो है इसको, कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छोड़ ना, वर्ल्ड बैंक लिखा है ना, वर्ल्ड बैंक में खेलेंगे भाई, वर्ल्ड बैंक में खेलेंगे, समझ में आ गई। कोई हो तू, मुझसे मिलने का नियम ही यही है, JSR सिक्योरिटीज में है भाई तू, नहीं मुझसे नहीं मिल सकता फिर। हितेश रेवन ब्लैक आर्मी में है, नहीं है, मुझसे नहीं मिल सकता फिर। सीधा मुझसे मिलने का नियम ही यही है, तू IB हो, रॉ हो, SI हो, CIA हो, तू कोई हो, मेरे से मिलने का नियम है, हिंदू है भाई तू, प्रभु श्री राम का भक्त है, हाँ है ना, बोल नहीं है, जा भग जाए यहाँ से, हितेश से नहीं मिल सकता तू, तेरे पास पैसा हो चाहे ना हो, अगर तू हिंदू है, श्री राम भक्त है, JSR सिक्योरिटीज में है, तो मिल हितेश से आकर के, वरना मत मिल, भग जाए यहाँ से। हमें मतलब नहीं है तेरी एजेंसी वेजेंसी, जूदा पूदा रूदा फूदा खूदा धूदा, ये सब नहीं चलता यहाँ पे, तो कुछ नहीं सुनते हम तो, यहाँ निकाह पिका ये वो एक स्टाइल है बस, निकाह की बात हो रही है ना, स्टाइल है, एक स्टाइल ही रह गया अब निकाह, कोई कसम वादे नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तो सीधा छुटते ही मोहम्मद को गाली पड़ती है, वैसे वाले हैं हम, अब समझ गए, नौकरी छोड़ दे भाई तू। अब कल जो है एक मैडम है पाकिस्तान में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो अब तो डायरेक्टर हो गए, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर थी, वैसे ही बात हो रही उनसे, मैं उनकी और मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे कल, तो उन्होंने मेरे से बात करी, कहते आप मुझे पहचानते हैं, मैं पहचानता तो नहीं हूँ, कह रही मैं आपको जानती हूँ, मैं आज जानते हो गए बताओगी, तेरी बहुत पहले से मैं आपके क्या कहते सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ पाकिस्तान में। कहा अच्छा जी, तो मैंने कहाँ के रहने वाले हैं आप, ईरान से हैं, वो देखने में कहती हाँ जी, मैंने कहा मैं बात नहीं करता हूँ, तो अब क्या करूँ मैं, मैं कहा छोड़ दो ईरान पिरान, पाकिस्तान वाकिस्तान छोड़ छाड़ दो, अब आप भारतीय हो, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो नागरिकता भारत की अपनानी होगी आपको, वरना मैं नहीं मिलता मैडम, बैठो, कोई जरूरत नहीं है, एंजॉय योर लाइफ, मेरे उसे मिलने का सीधा नियम है भारतीय, भारत की नागरिकता और सनातन धर्म, और मोदी जैसे राक्षस और इन क्या कहते हैं रास्कलों को मारना है बस, ये रास्कल्स है, सीधी सुधरी बात है, हम नहीं सुनते भाई। अगर यहाँ नहीं चलता ना तो बिहार है, तो UP है, गुजरात है, नहीं चलता ना भाई, भारत भारतीय है, भारत का नागरिक है तू, सनातन धर्म मानता है, प्रभु श्री राम को मानता है, तो फिर बात करें यहाँ पे, वरना जरूरत नहीं है मेरे साथ टाइम वेस्ट करने की। तू अपनी कहानी किताब लेके निकल जाए यहाँ से, नाम बदल के मत आइयो मेरे पास, कि किसी ने रख लिया अपना नाम श्री राम रख लिया, किसी ने सीता रख लिया, बेटा नाम हटा ले पहले तो, मेरे से कभी देवी देवता का नाम लेकर मत मिल लिया, मैं मारूंगा बहुत, समझ में आ गई। हाँ नाम ढूंढ लो तू अपना, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अरे यार हद हो गई, अरे नाम रख लेना, पेड़ पौधा गधा कुत्ता बिल्ली कोई भी रख ले नाम तू अपना, बस तो मिल मेरे से, बनना अपने घर जा भाई, ना मेरे पास ना फालतू टाइम ना, ना 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 ना, अब तू एक औरत आके कह रही जी मेरा नाम सीता है,
दफा हो जाए मैडम यहाँ से, दफा हो जाए एकदम, समझ में आ गई। हाँ यहाँ नहीं चलता ये सब, अगर तेरा नाम जरा सा भी कहीं से भी कह कहते लग गया ना मेरे को कि तू हिंदुओं के देवी देवताओं में नाम है, कोई आगे घर आज मैं विष्णु, भग जाए यहाँ से, चल एकदम भग जाए यहाँ से, नहीं सुनेगा भाई तेरी, मैं बात ही नहीं करता, मिलना भी नहीं मेरे से, मिलना भी नहीं मेरे से। अब कई बार जो मुस्लिम है, अब कोई मुस्लिम कहता है कि भाई मेरा नाम जो है क्या कहते हैं मुंबई नहीं चलाई है, खुशी की बात है आइए मिलिए, मुस्लिम हो फिर नहीं मत मिलना मेरे से, काम कर रहे हो करते रहो, कुछ देर में हटा देंगे वो आपके एक ही बार समझाएंगे, और अगर आप मुसलमान हो और आप सनातन धर्म को मान चुके हो, मुझे मान चुके हो, पैसे की कमी नहीं होने देते हो, आराम से रहो खाओ पियो अपने घर में से, जो इस्लामिक नहीं लिटरेचर जो लिखते हो तो वो अलग बात है, उर्दू उर्दू एक कुरान पुरान आराम से, पूजा पाठ का जो सामान है आपका जो है उसको एक बैग में भरो, प्रणाम करो और समुद्र में जाकर डाल दो, अपमान मत करना उसका, समझ में आ गई। मंदिर वंदिर जो है गंगा जल से धो दो, मस्जिद जो दो दबा दो भैया, गाय मत काट देना, समझ में आ रही है, वो काट दियो तो खैर एक अलग बात है, भूख लगी तो खा जा मेरे को क्या दिक्कत है, उसके लिए भी मना नहीं करता मैं, अब भूख लगी है खा गया खा गया, जानवर है यार जानवर है, इतना दिमाग है मेरे पास भाई, कोई कोई बंदा कह रहा है यार भूख लगी दिखा खा ले, क्या हो गया यार, आप समझ रहे हो बात को, पर प्रभु श्री राम का जो है क्या कहते हैं विद्रोह हम बर्दाश्त नहीं करते, साफ सीधी सुथरी बात है, और किसी का घर परिवार को जो है क्या कहते हैं हम तंग नहीं करते, हमारी टीम है हमारे अपने लोग हैं, परिवार ही मेरा इतना बड़ा है, JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड हितेश रेवन ब्लैक आर्मी मेरा अपना परिवार है भाई, जो मेरे लिए काम करते हैं मेरा परिवार है, समझ में आ गई। परिवार में क्या ढूंढो, किस में क्या रिश्ता ढूंढो, जरूरत नहीं है ना, क्या समझे, वहाँ अपने आप पता है कि इसके देश के लिए काम करो, बात खत्म है, और पैसे का कोई हिसाब किताब होता नहीं है, और सबको पता है कि भाई रहने खाने के लिए जो है कोई दिक्कत आ रही है, ले आ भैया अपना जो है रहना फ्री करा ले भाई, अपना खाना फ्री करा ले, और जब मौका लगा अपने घूम फिर आ जा, अभी काम चल रहा है बड़ी तेजी से, समझ में आ गई। और यहाँ अगर कोई कहेगा हम तो इंडियन आर्मी से, हम तो इतिहास को नहीं मानते, दफा हो जाए, चल दफा हो जा, फिर इतिहास रे वन ब्लैक आर्मी में नहीं है, समझ में आ गई। तुमने मुझे चैलेंज किया ना, बुला ले डेल्टा फोर्स को, अब मैं कह रहा हूँ तुम बुला लो जिस मर्जी को, आ जाओ रंग में, यही बात कही थी मेरे को, यही कही थी ना SPG डिपार्टमेंट और क्या कहते हैं इंडियन आर्मी वालों ने, NSC वालों ने, बुला लो डेल्टा फोर्स को, अब तुम बुला लो इसको, बुलाना, मैंने तो वीडियो दे दिया, अभी कह रहा है यार तेरी वीडियो हमें पसंद नहीं है, मैं कहा तेरा मुंह में जूता फंसा दूंगा, समझ में आ रही है, 200 करोड़ रुपए की पर्ची लेके गया, वही बैठा लिया रंग में मेरे बंदों ने, NSC वाले को, अरे बैठ जा यार, ये लेके आ तो वो लड़ दे नहीं पहले एक बंदा जाता है ना वो बात करने, क्या होगा उन्हें दिखा दे कर भाई ये जगह तेरे ट्रुप्स है, हम देखे देखते सिमुलेशन दिखाते दैड़ है, देख कितना मजा आएगा, अबे F-35 है वो, एक बार में 35 टारगेट मार गिराएगा, एक बार में 35 जगह बम गिराता है नहीं समझा, अबे F-35 है वो, F का मतलब जानता, फ्रंटियर 35 है वो एक बार में 35 टारगेट मारेगा, और तेरी 10 जगह आर्मी है ना, वो 10 ही जगह बम गिराएगा, वो धूम ऊपर उछाल देगा बेटा हवा में, अरे भगना नहीं है तो बना ले तू भाई, तुम्हारा भी तो यही टारगेट था, अभी जो है पंकज सिंह कह रहा जो BSF का DG कह रहा यार तेरे से हाथ मिला लेते कुछ पैसा कमा लेते, आगे ना औकात पे अपनी, बस तुम रहे फिर वही का वही, या तुम बात ही नहीं समझ रहे, या तुम बात नहीं समझ रहे, बात जो है हिंदुओं के हित की हो रही है, जो हिंदू की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा, ये नियम है यार, ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मेरे को अच्छा आदमी है, किसने लिखा ये, किसने लिखा, मैंने कहा ब्लंट है एकदम आदमी, मजा है, मैंने कहा इसी कोटेशन पे काम करना है, अब साफ सीधी बात है, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर जो है ना यार मरने के बाद तुम्हारे को गड्ढे में निकालेंगे, खाएंगे नहीं, पीटेंगे नहीं तुम्हें, मर जाओगे, अंतिम संस्कार करते हैं लकड़ी लगा करके अपना मंत्रों से प्रणाम किया, चल भाई यहाँ आखिरी तक भी गंदगी नहीं है, औरतें मर जाती है ना इस्लाम में तो भाई वो तो कब्र से निकाल निकाल कर भी उसका रेप करते हैं, सेक्स करते हैं उसके साथ, सब जानते हैं इस बात को, पाकिस्तान मरियम नवाज शरीफ को इतना डर लगा हुआ था, ठीक है कि मरने के बाद उस बेचारी के साथ होगा क्या,
पर उसको जब पता लगा ना, उसने मेरे से एक बार पूछा कि आप मतलब कोई मर जाता उसके बाद क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं जी, अपना क्या कहते हैं उनको जो है उन्हें कपड़े पहना के पहनाया रहता है, फिर उनको स्नान कराते हैं, कफन वफन देते हैं, लेके जाते हैं, फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, 4-5 टन लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, फिर अंतिम संस्कार कर देते, जला देते, खाते थोड़ी है जला के, एकदम राख कर देते हैं जी। फिर उसके बाद जो है जी, एक दिन बाद जो है फिर सुबह जाते हैं, दूध लेके जाते हैं, फिर जो चिता की राख होती है उसको दूध से खत्म हो जाता है, एकदम खत्म कर देते हैं, बैठ के जो चांडाल होता है ना वो बैठ करके वो जलाता रहता है 3 घंटे, तो वहीं पे रुकते हैं सब, खड़े रहते हैं वहीं पे, जलते रहती है जब तक, पता लकड़ी के अंदर दिखता थोड़ी है शरीर, रत्ती भर नहीं दिखता, रत्ती भर नहीं दिखता जी, पता ही नहीं लगता अंदर क्या हो गया, खत्म एकदम लकड़ियां, वो इसी हिसाब से लगती है लकड़ियां, मिनिमम 5 टन लकड़ियां लग जाती है, 5 से 7 टन होती है लकड़ियां, लगा देते हैं अपना। नहीं जी कुंटल कहा, टन की बात कर रहा हूँ मैं, लकड़ियां, लकड़ियों का वजन आपको पता ही क्या है, फिर बड़ी लकड़ियां होती है, बबूल होता है ना, बबूल, बबूल की आम की लकड़ियां होती है जी, और बाकी जो अवेलेबल हो जाए आम और चंदन होता है जी, चंदन थोड़ा बहुत रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है, और लगा करके जो है कर देते हैं, वो तो जो है क्या कहते हैं बेवकूफ़ होते हैं जी, आराम से मिलती है जी, लकड़ियों की कमी थोड़ी है हिंदुओं के लिए, बड़े से बड़े पेड़ होते हैं लगा देते हैं अपना आराम से, पहले नीचे जो है मोटी लकड़ियाँ लगाते हैं, जो बेड बनाते हैं ना, हाँ वो तो गलत शब्द यूज़ करती हैं, वो तो गलत बोलते हैं वो लोग, लकड़ियों का पहले मोटी लकड़ी लगा करके एक मोटा सा उसका बेड बनाते हैं, उसके ऊपर फिर जो है डेड बॉडी को लिटा देते हैं, फिर उसको चारों तरफ से जो ढकते हैं, अंदर जो है क्या कहते हैं सरकंडे की फूस वूस होती है जो जिस पर लिटा कर जाता है ना, बांस की जो होती है, चचरी बोलते हैं उसे, अर्थी जो होती है, बस उसके बाद अपने मुखाग्नि दी जाती है और धधक उठती है अग्नि, बैठते हैं फिर रिश्तेदार परिवार के लोग जो होते हैं बैठते हैं वहाँ पे आराम से देखते रहते हैं, नहीं दिन में होता है जी, रात को अंतिम संस्कार तो वहाँ होता है, वरना दिन का ही सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार करते ही नहीं है, दिन ही दिन में होता है जी, कर दिया अपना उसके बाद जो है क्या कहते हैं जल जाता है, कुछ बचता नहीं है, चिता जलती रहती है, छेड़ता नहीं है जी उसे कोई, बहुत सख्त नौकरी होती है ये, हाँ जी चांडाल बोलते हैं उसे, बहुत सख्त नौकरी होती है, टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगता जी, वो तो वैसे ही राजा हरिश्चंद्र का किस्सा सुना रखा है कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जो जो पूजा पाठ कराता है पुरोहित वहाँ पे, ठीक है, पिंडदान कराएगा, पिंडदान मतलब कि अब आप वो डेड बॉडी से आपका को लेना देना नहीं है, अब पिंड छुड़ा दिया आपका, अब वो जो है वो क्या कहते हैं वो जो है क्या कहते हैं वो काल की हो गई, वहाँ पर रहो, फिर वो अंतिम संस्कार पूरा करा गुरु के जो है, फिर आपको बताएंगे जी अब ऐसे ऐसे 13 दिन का जो कर्म है वो पूरा करना है आपको, बस ये होता है जी, ये है सनातन धर्म, और जूशों की तरह थोड़ी है मर गया तो खा रहे हैं, इस्लाम की तरह थोड़ी है औरत मर गई तो उसके बाद फिर उसका बलात्कार कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, ऐसे में औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, उस बच्चे को पैदा करते हैं, वो बड़ा खतरनाक सिस्टम है ये जो है, सारे के साथ अनैतिक है, तो कोई औरत पसंद नहीं करेगी, इस्लाम में होता ही कौन नहीं जानता, आपको नहीं पता क्या करते हैं, कब्र बना देंगे, कब्र को नीचे से औरत गायब कर देंगे, खूब होता है, खूब होता है, आप मुसलमानों का कब्र में चले जाओ, कब्र के नीचे कमरे बने होते हैं बड़े बड़े, आराम से डेड बॉडी निकाल के अंदर रख लेते हैं और बाद में उसे खाते हैं, और जूशों में चले जाओ, बुद्धिज्म में भी यही है, जूश भी ऐसे ही करते हैं, तब तो क्या कहते हैं इसराइल ने भी जो है जूशों ने अग्नि संस्कार अपना लिया ना, निशान देखा कह रहे यार तो हिंदुओं का ही निशान है, इसी बात का केस हुआ, अंतिम संस्कार भाई इसके बाद टिकी हुई थी, वो वैसे पूरी जिंदगी कोई रिचुअल अपना ले भाई, कुछ नियम होते हैं, पर बाद में इसराइल ने भी जो है क्या कहते हैं जिस दिन इसराइल ने अंतिम संस्कार अपना लिया अग्नि संस्कार, मैंने कहा था कि जी आपको हम अग्नि संस्कार जो है देने को तैयार हैं, उन्होंने अपना लिया इसराइल ने जोशो ने, तो उस दिन के बाद से हमने इसराइल सिक्योर कर दिया, मुझे हाथ नहीं लगाने देंगे इसराइल को, उस दिन के बाद वो वहाँ पे सब खुश हैं, अब धीरे धीरे वो रिचुअल सीख रहे हैं सारी बातों को, धीरे धीरे सीख रहे हैं,
अब जैसे ईरान में खुमैनी था, रईसी वईसी ये जा रहा रिश्ते में, तुम जाना तो दफाओ यहाँ से, जूता पूता ये सब नहीं चलता है यहाँ पे। कि जो घर के अंदर माँ है तो माँ ही तो होगी यार, ये कौन सी पिक्चर बना रहा है यार। मतलब बाहर तो जो क्या कहते हैं लेकर जा रहा है तो माँ को दिखा रहा है और घर में वो उसकी बीबी है। अभी ये कैसा एंटरटेनमेंट है यार तेरा, मैं हमारे से तो बात ना करियो भाई तू। मैं ये होती है जूता फैमिली, मैं हमसे बात ना करियो भाई तू। हम नहीं बात करते भाई तेरे जैसे से, तुम्हारे ये परिवार में। अब जो बाहर तो जा रहे भाई बहन है और घर के अंदर जो है क्या कहते हैं रात को मियाँ बीबी है। अब यार दफा हो जाए यार, तू कैसी बात कर रहे, कौन कौन सी कहानी सुना रहा है, ऐसी एजेंसियों से मतलब नहीं रखते हम। और तू समझ तू क्या खेल रहा है, पिप्पा विप्पा डुप्पा लुप्पा चुप्पा दग भगा से। ये है किस्सा। अब फिदा के अंदर का जो है, फिदा में भी यही है सिस्टम। फिदा के अंदर जो है भाई सनातन धर्म है, सारी चीज़ें है, पर हाँ ये जरूर है इसमें जो है इश्क का मामला बड़ा तगड़ा है फिदा में। फिदा में जो है धोखा नहीं दे सकती लड़की या लड़के, अगर प्यार है तो बोल दे भाई कर ले जाकर, नहीं है मना कर दिया घर जा अपने, बदमाशी नहीं है, रेप नहीं है, बलात्कार नहीं है। हाँ बाकी हंसी मजाक छेड़छाड़ तू जितनी मर्जी करता, लिखित के घर नज़दीक नहीं जाएगा, वो जो मर्जी बोल तो पब्लिकली मना नहीं है, पर मीडिया का इस्तेमाल करेगा डिजिटल रिकॉर्डिंग दे तू क्या बोल रहा है। अब तो पीछे जाके किसी औरत पे हमला करके आएगा, कुछ बोल के आएगा, रिकॉर्डिंग है नहीं, हम क्या करेंगे फिर, मार नहीं खाएंगे खाएंगे हम भी और तू भी। ये है फिदा। अब फिदा के अंदर तो सीधा है जी, वॉर नीति साफ सी है, मरेंगे या मारेंगे। सुसाइड बॉम्बरों का खेल पता है आपको, सुसाइड बॉम्बरों का जवाब हमारा है जी, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है ये फिदा भाई। वो अपने शरीर पर बम बांध के बैठ गया, हमें पता अभी मरेगा, अब हमें डिफ्यूज़ करना है। तो बेटा ऐसा है ठीक है, साफ सीधी बात है, अब उस बम को डिफ्यूज़ करने के लिए हम भी मरने को तैयार हैं, सीधी बात है ना, इसलिए फिदा ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आ गई, इनके इनके हाँ फिदाइन जो बनाते हैं ठीक है वही है बस, मैं तो फिदाइन है ठीक है, हम तेरे पे फिदा ले भाई, मर गए तेरे साथ भी और पता क्या करें। अब एक लड़की का केस है मेरे पास, नहीं नहीं रावी पीजा का नहीं है, एक और केस आया वह भी हाल फिलहाल ही, वो जो है उस सुसाइड बॉम्बर है, और उसके बाद लड़की के पास बम भी है, ना ना मरियम नवाज भी नहीं है, एक है हाल ये नज़दीक का ही है, और उसने बम भी बना लिया, सब कुछ कर लिया है, अब पहन के बैठी भी है। अब बम डिफ्यूज कपड़े उसने पहने नहीं है, उसने बस अपनी एक अपर फोटो दिखा दी, अब ब्लास्ट भी भयंकर करेगी। अब उसके नज़दीक जो जाएगा कई कमांडो से पूछा गया, वो मना कर रहे हैं कह रहे भाई हम तो नहीं जाते इसके पास, ये तो वॉलंटियर होती है थोड़ी जबरदस्ती कहते कि भाई तू कहा आ रहा है, ये ऐसा नहीं बोलते जिस केस में, इसमें बता बंदा मरेगा ही मरेगा। अब वो लड़की जो है, अब लड़कियों का नियम ये होता है चाहे कहीं की भी हो, अगर उसको हाथ लगा दिया है ठीक है ना, और उसको अगर आपने न्यूड देख लिया या आपने उसको न्यूड कर दिया तो ये वर्षा दी कर अब वीडियोस करें। रावी पी का भी तो केस यही है मेरे साथ, और मरियम नवाज का भी तो केस यही है। हाँ जी तभी तो जा करके अभी काम रोका हुआ है, अब क्या करें। ऐसे में जो है क्या कहते हैं, एक मैं बीडीएस में हूँ, बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड, अब कई मामलों में तो जो है क्या कहते हैं, अब लड़कियों को पता ही आ रहा है क्या पीटे का बहुत, नहीं हम तो धर देते हैं जा पड़ा पड़ो, मैं तो मार देता हूँ, मैं नहीं सुनता किसी की, मैं तो पढ़ा ही पढ़ा देता हूँ खींच के। कई बार तो मेरा नाम सुन के लड़कियाँ खुद ही हटा देती हैं, उन्हें पता ही आएगा जरूर, और ये आया इसका हाथ पड़ा नहीं के बेटा क्या कहता है जो अंदर जो है ना क्या कहते हैं बत्ती सी हिला देगा ये, समझ में आ गई, तो खुद ही हटा देती हैं। अब हटा देते हो कंडीशन ये शादी करनी पड़ती है, अब मैं तो इस कंडीशन को मानता नहीं पर वो सुनती नहीं है, अब क्या करें बताओ, आप समझ रहे हो ये है असली खेल। इसलिए JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड कोई अमेरिका की आर्मी नहीं है, डेल्टा फोर्स नहीं है ये, इसमें कट्टर हिंदू हैं, और कट्टर का मतलब ये थोड़ी है कि मुसलमान देखते हैं जो है उसको मारने दौड़ पड़ेंगे, जैसे काटे से दौड़ पड़ेंगे, कुत्ते थोड़ी हैं हम, हैं मुस्लिम तो है चाह अपना काम कर। अब कोई हमारे को जबरदस्ती चैलेंज करेगा ठीक है फिर जवाब दे देते हम, कोई हो तो कितने भी हो, समझ में आ गई। अभी जो है रैश में सेपा रू और रंग में हम उतार रहे हैं एडग्राफ अशोका द ग्रेट रेजर फोर्स पैरा अंडर 9। अब देखो कितना मजा आता है, और रेजर्स बढ़ाने वाले उतारेंगे अब हम।
समझ में आई, ये बताएंगे इनको अच्छे से। नहीं वो तो है ही है, ये उस्तादों के उस्ताद हैं, मैं हूँ, मैं एडग्राफ में हूँ और रेजस बटालियन में, समझ में आ गई। कर ले वो और तेज हिटअप कर ले राउंड, हमने मना थोड़ी किया है, पैसा जमा हो चुका है, प्लेयर मैं हूँ भाई साहब, जब मर्जी बात कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर भारत सरकार में मिलावट कर रहे हो, नहीं सुनेंगे ना भाई, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, सीधा नहीं है। मैं आपको ही बंदे कहते हैं भाई JSR सिक्योरिटीज में आए कैसे, तीसरे वन आर्मी में, बात सीधी सी है भाई। जो जीवन जीने का मानवतापूर्ण तरीका है, अगर उसको मानता है, किसी का हक नहीं रखना चाहता, किसी की बीवी को नहीं रखना चाहता, किसी की बेटी का बलात्कार नहीं सोचता है, समझ में आ गई, किसी का धन नहीं लूटना चाहता, तो तू आ सकता है मेरे साथ, मेरे नाम से चीनी खा लियो बस, बात खत्म। किसी को तंग नहीं करना है, समझ में आ गई। और भारत की नागरिकता समझता हो तो समझ ले, और कोई बात नहीं है, श्री राम भक्ति है तो है, बाकी तेरे कच्चे में मुंह मैं नहीं डालता भाई। तेरा हाँ तेरा खतना हुआ है नहीं हुआ, जो हो चुका हो चुका है, आगे मत करियो, बात खत्म। अब रिचुअल में तो निकाह कर ले भाई, मन से कह दिया हाँ है तो है, लड़कियों को सीधा कह दिया भैया मीडिया के नाम पे धोखा मत दे दिया, वरना फिदा वाले बैठे हैं। रियाम खान को पूछो ना, रियाम खान को क्या दिखाया हमने जलवा, यहाँ ना कहते हैं ना इश्क के खेल में धोखा नहीं होता, इश्क के खेल में धोखा नहीं होता डार्लिंग, खेलने का अगर दिल रखती हो तो पिछला छेद बंद करा लियो, ठीक है। ऐसे वाले हैं फिदा में। क्या बोला, इश्क का खेल नहीं, इश्क के खेल में धोखा नहीं होता, इश्क के खेल में धोखा नहीं होता डार्लिंग, अगर खेलने का मन हो तो अपना अपना पिछला छेद बंद करा लियो। समझ में आ गई, क्योंकि अशोक दी ग्रेट रेजर फोर्स पैरा अंडर 9, कुछ बातों में हम भी बहुत सख्त आदमी हैं, समझ में आ गई। तो ये है खेल, तो ये सारे मामले जो हैं सीधे तौर पे बने हुए हैं। हमें तू कहे कि यार हमारी IB, देख भाई वो तो JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड के अंदर भी है कि जो है JSR इंटेलिजेंस वाले हैं, इसमें आपस में लगती है, लगना है मतलब कॉम्पिटिशन है, ये थोड़ी तो मारने पर उतर जाएगा, किसी की बीवी को छेड़ देगा, किसी की बहन उठा ले जाएगा। और ड्यूटी पे जो है बेटा शादी ब्याह नहीं होते, घर के बाहर निकाल देंगे 2 मिनट में, ठीक है। शादी ब्याह करना है तो शादी ब्याह कर और फिर कॉम्बैट ड्यूटी छोड़ दे, उन्हें घर परिवार के साथ एंजॉय कर, फिर अभी चलने दे। और अगर क्या कहते हैं शादीशुदा है, बच्चे बड़े हो गए हैं तो बेधड़क जो है क्या कहते हैं आ जा घर में, बाकी कोई चिंता नहीं है, जाते जो है तेरे घर परिवार को पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। 10 लाख रुपए जो है मिनिमम देते हैं स्टार्टिंग में, वो 10 लाख रुपए पहुंच जाता है। अब जैसे मैं इतेश रेवन आर्मी चला रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे ही जोन ऑन होगा 10 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, और घर परिवार को एक डायमंड दे दिया जाता है कि जी आपका ये हीरा हमारा हुआ, ये हीरा आप रखो। नहीं ना, हम तो नहीं दिमाग लगाते जी फालतू बातें, ना मैं फालतू बात ना बोलता ना मैं फालतू सुनता, इतना टाइम नहीं है। नहीं मरियम नवाज जी अपनी जिंदगी देखेंगे वहाँ पाकिस्तान में, मैं मेरे को क्यों मैनेजर, मेरी क्यों किस बात की मैनेजर हो गई, बेवकूफ़ हो क्या तुम, वो अपनी ज़िंदगी देखे, वो अपना पाकिस्तान का प्यार देखे, धीरे 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 अगर देखेंगे ना तो कागज वगैरह बना कर देखेंगे तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी रजिस्ट्री तो मेरी हो चुकी है बस। और वो एक ऐसा खेल है, उनको पता ही है मेरा इतना पैसा देना है ना पाकिस्तान ने, पैसे लिए जा रहे हैं और वो फिर बाकी मेरे अकाउंट में आया जा रहा है, समझे, ये भी तो समझ लो। ये गेम आपने डिजाइन किया, मैंने थोड़ी किया। अरे मैंने उदाहरण के तौर पर, मैंने आलिजा शहर से जो है 1100 एकड़ जमीन खरीदी, पेमेंट कर दी हमने, तो अब वो पेमेंट जो है क्या कहते हैं
पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास गई, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेरा 485 लाख करोड़ रुपये देना और भी कई पैसा है ब्याज समेत। ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पहुंचते के साथ मेरी टीम वाले बैठे हुए, हाँ जी कितने पैसे आ गए? तो भाई साहब जो है क्या कहते हैं, ढाई कुंटल जो है गोल्ड आया है। अच्छा, 1100 एकड़ ज़मीन और भी कई चीज़ें। ठीक है भाई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट मेरे लोग आराम से बैठे रहते हैं, कितना पैसा आ गया जी? इतना। ठीक है, लाओ जी, इतेसरे वन का पैसा भी तो देना है आपने। कह रहे वो ज़मीन तो हम क्या करें भैया, चल रहा और कुछ नहीं चल रहा। गवादर के मामले में चीन के पास पैसा गया, जमीन इनकी बची नहीं, तो मैं क्या करूं? ठीक है मरियम नवाज जी, इसलिए 22,000 टन जो गोल्ड आने वाला है ना पाकिस्तान में, वो भी मेरा ही है। ठीक है, और मत दो ना मेरे पैसे, तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचेगा, ब्याज है कौन देगा? आप दोगे, आपका बाप देगा? थोड़ा ध्यान से समझो ना कैलकुलेशन, नहीं समझे? अब तक जितनी जमीन बिकी है पाकिस्तान में, जो असेट बिकी है, वो पैसा कहाँ गया? गोल्ड आपको नहीं मालूम है? शहबाज शरीफ जी को जाकर जा चेक करना बैंक में। वो मैडम वापस घूम फिर के मेरे पास ही आ रहा है, पैसा लेना है ना। गाने क्यों डिलीट करे थे? गाने अपलोड नहीं होंगे ना, रहने दो, अब मामला खत्म। तो जो 42,000 एकड़ जमीन खरीदी है पाकिस्तान में, जो पेमेंट हुई है, मेरा पैसा नहीं दोगे क्या पाकिस्तान में? और ऐसा घूम के इधर और हिस्ट्री भी इधर, पैसा भी इधर, अब क्या बात कर दी यार, नुकसान तो फिर भी है ना। अगर मेरे आप बैलेंस शीट को देखोगे तो पता लगेगा इतेज ने जो है 22,000 टन गोल्ड की परचेज करी और 22,000 टन गोल्ड पे कर दिया पाकिस्तान को, और बाद में जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फिर इतेज रेवन को दिया, क्योंकि उसका पैसा देना था ना इन्होंने। इंडियन आर्मी के साथ भी यही होने वाला भारत में। ठीक है, वो तो मरियम नवाज जी थोड़ा सा क्या कहते ध्यान से सोचो समझो बात को, क्या कहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद।